दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। जिसे सुनकर एक तरफ आपको यह विश्वास दृढ़ होगा कि भगवान तो सचमुच एक है, और वहीं दूसरी तरफ हम सबको बांटने वाली विभिन्न धर्मों की रूढ़िवादी आपसी दीवार भी आपको परत दर परत उखड़ती और गिरती नजर आएगी। उस सच्चे भगवान के लिए देशों की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। हम सब जीव उस परम पिता के बच्चे हैं तथा हमारे कल्याण के लिए वह परमात्मा जगह जगह अलग अलग रूपों में प्रकट होकर हमें सत्य ज्ञान बतलाता है, हमें जागरूक करता है। कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि बल्ख व बिलायत तक हम ही धारे भेख। कबीर परमात्मा जी कहते हैं, हम मोहम्मद को सतलोक ले गए हो, इच्छा रूपी वहां न रही हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। मोहम्मद जी को भी कबीर परमात्मा दो बार मिले थे। इसी विषय पर आज हम एक रहस्य उद्घाटन करने जा रहे हैं। अलखिद्र, एक ऐसा महान महापुरुष जिसका जिक्र उल्लेख बहुत सी धार्मिक किताबों में मिलता है। एक ऐसा महान महापुरुष जो सर्वोच्च ज्ञान युक्त माना जाता है। अलखिद्र ही वह महापुरुष हैं जिसे ज्ञान समझने के लिए खुद अल्लाह कह रहा है। अब जाने सह विस्तार प्रसंग कुछ इस तरह है कि एक बार किसी ने हजरत मूसा जी से पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। इसके जवाब में मूसा जी ने बड़े गर्व से कहा, मेरे पास। मूसा जी का यह जवाब अल्लाह को पसंद नहीं आया, जिस कारण अल्लाह ने मूसा जी को कहा कि जो ज्ञान तुझे प्राप्त है वो अलखिद्र के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब साफ है, अलखिद्र का ज्ञान सर्वोपरि है। उसके ज्ञान की महानता को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, बाइबल का ज्ञानदाता खुद स्वीकार कर रहा है। ये बात पवित्र गीता जी से भी मेल खाती है, जिसमें गीता ज्ञान देने वाला अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहता है कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत के पास है, उससे जाकर पूछो। मूसा जी अलखिद्र के पास जाते हैं, लेकिन वो अलखिद्र पर विश्वास नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें अलखिद्र से अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। स्पष्ट हुआ कि अलखिद्र का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। कबीर जी के ज्ञान के बारे में भी यही कहा गया है कि और ज्ञान मंडलीक सब चकवे ज्ञान कबीर। अलखिद्र का वर्णन 55 हदीसों में भी मिलता है, और यह भी वर्णन है कि अलखिद्र मोहम्मद जी को उनके जीवन काल में दो बार मिले, एक बार मोहम्मद जी के जवानी काल में व दोबारा मोहम्मद जी के बुढ़ापे में। लेकिन विशेष गौर फरमाने वाली बात यह है कि तब अलखिद्र की उम्र जरा भी नहीं बदली। ऐसा ही कुछ वर्णन कबीर जी ने अपनी वाणी में दिया है कि जब गोरखनाथ ने वार्ता कर कबीर जी से उनकी उम्र पूछी थी, तब कबीर जी का जवाब था कि गोरखनाथ जी, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। क्योंकि पूर्ण परमात्मा अविनाशी है, उसके जीवन का एक भी पल कभी कम नहीं होता। पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत 52-59 में वर्णन है कि वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची वह हमारे सब गुनाहों से खबरदार है, वाकिफ है। ऐसा लिखित सबूत अलखिद्र के उस प्रसंग से मिलता है जिसमें अली को कहा गया है कि अली, मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा जो असंख्य पापों का नाश कर देगा। वेदों में भी यही वर्णन है कि केवल कबीर परमात्मा ही पाप नाशक है, सभी पाप कर्म को काट सकता है। यह वही अली है जिसने बदर के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए अलखिद्र से आशीर्वाद प्राप्त किया था, क्योंकि अलखिद्र हमेशा धर्मनिष्ठ लोगों की मदद किया करता है। अलखिद्र ही अविनाशी कबीर परमात्मा है, वह वही भक्ति मार्ग में उलझनों को साफ करता है, मतलब कि सही भक्ति विधि भगत समाज को बतलाता है। ऐसा उल्लेख पवित्र वेदों में भी है कि परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से इस पृथ्वी पर अवतरित होता है, वह अपनी वाणियों के सत्य ज्ञान की बौछार करता है।
बहुत से मुस्लिम श्रद्धालुओं का मानना है कि अल खिद्र के हाथों में हड्डियां नहीं हैं, वे रुई जैसे नर्म हैं, और ये उसकी पहचान भी है। जब कोई तुझसे ऐसा साधु मिले जिसके हाथ नरम हो वह हड्डी ना हो तो समझो कि वो अल खिद्र ही है। ऐसा ही शरीर कबीर जी का है। कबीर जी खुद अपनी वाणी में कहते हैं कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी। सभी प्रसंग अब अल खिद्र व कबीर जी को एक ही स्पष्ट करते हैं। वह उनके द्वारा की गई लीलाओं सद ग्रंथों में बताई उनकी पहचान से हूबहू मेल खाती है, और लगभग सभी देशों के मुस्लिम मौलवियों का यह भी मानना है कि उन्हें जीवन काल में एक बार अल खिद्र जरूर मिलता है। वास्तव में कबीर जी देश काल के भिन्नता के कारण अलग अलग रूपों में महापुरुषों के उद्धार के लिए दिन में 100-100 बार अपने सत्य लोक से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं। जैसा गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि गरीब उन्नत कोटि अवतार है, नो चितवे बुद्धि नाश, खाली खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। मतलब कि पूर्ण परमात्मा यहाँ हर समय किसी ना किसी रूप में अपनी लीला कर रहे होते हैं। परमात्मा अल खिद्र या यूं कहे कि कबीर जी भक्ति चाहने वाली आत्माओं को रास्ता दिखलाते हैं व उनकी उलझन दूर करते हैं। ये परमात्मा के विधान में शामिल है। इसी क्रम में वो बहुत से महापुरुषों को मिले, जैसे कबीर रूप में नानक देव जी को, धर्मदास जी को, मलुकदास जी को, गरीबदास जी को और घीसा दास जी को, तो हजरत मोहम्मद जी को अल खिद्र रूप में मिले, और महान कवि रूमी को समस्तर बेच के रूप में। जी हाँ, हम 13वीं सदी के महान रूमी की बात कर रहे हैं, जो महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं और जिनको पूर्वी व पश्चिमी सभी देशों में बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ा व सुना जाता रहा है। उनको भी पूर्ण परमात्मा अल खिद्र या यूं कहे कि कबीर जी समस्तर बेच के नाम से मिले थे व उनको सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाया था, जिससे प्रभावित होकर कवि रूमी ने भी एक ग्रंथ प्रसिद्ध मशनवी की रचना की, जिसमें उन्होंने अपने गुरु समस्तर बेच की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। रूमी ने अपनी मुर्शीद समस्तर बेच से दीक्षा प्राप्त कर इबादत की व प्राचीन परंपरागत साधनाओं को त्याग दिया, जिस कारण उनका भी वहां घोर विरोध हुआ था। रूमी की रचनाओं में बल्ख शहर के बादशाह इब्राहिम सुल्तान अधम का भी उल्लेख है, जिसमें यह वर्णन है कि इब्राहिम को अल खिद्र के दर्शन हुआ करते थे, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने राजगद्दी त्याग दी थी। यहाँ इब्राहिम सुल्तान के प्रसंग में तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अल खिद्र ही कबीर जी हैं। संत गरीबदास जी जिनको कबीर परमेश्वर जी मिले थे, उन्होंने भी अपनी वाणियों में इब्राहिम सुल्तान अधम जी का उल्लेख किया है और बताया उनको कबीर जी मिले थे। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वास्तव में जिस महापुरुष की रूमी ने अल खिद्र समस्तर बेच के नाम से महिमा गाई है, उसी की संत गरीबदास जी ने भी कबीर नाम से महिमा गाई, क्योंकि है तो दोनों एक ही। अब तक के सभी प्रसंगों प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा एक है, वह वही अलग अलग रूप बनाकर हमें सत्य ज्ञान बतलाता है। वो कभी अल खिद्र बनकर हमें मानव जीवन के मूल उद्देश्य से परिचित करवाता है, और कभी कबीर रूप में हमें अपने वास्तविक घर की राह बताने के लिए घूमता फिरता है। अध्यात्म की यह जटिल पहेली भी अल खिद्र ही सुलझा सकता है, जो देश काल की भिन्नता के कारण अलग अलग रूप व अलग अलग नाम से आकर प्रकट होता है। आज वही अल खिद्र कबीर परमात्मा भारतवर्ष की धरा मंडल पर संत रामपाल जी के रूप में अवतरित है, जिसके ज्ञान का कोई सानी नहीं, कोई टक्कर नहीं, जिन पर कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 के आयात 52-59, तो वही पवित्र गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 34 भी पूरी तरह से फिट होते हैं कि यही वो बाखबर संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, इनके पास ही अद्भुत अजेय ज्ञान है, जिसके आधार पर इन्होंने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को निरुत्तर किया हुआ है, और इनके पास ही वो अद्भुत ज्ञान है जिसे प्राप्त करने में हजरत मूसा जी भी असफल रहे।
इनके पास ही वो मूल मंत्र है जो हमारे अनगिनत पापों का नाश कर सकता है। इनके पास ही वो मूल तत्व गुण ज्ञान है जो सुखमय जीवन का आधार है और सर्वजीव आत्माओं की भक्ति कराकर उनका वास्तविक घर सत्यलोक अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने वाला है।